लोकसभा चुनाव के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अंतर्कलह देखने को मिल रही है, तो वहीं अब राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज होती जा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलों ने जब से जोर पकड़ा है, तब से कई सवाल उठने लगे हैं, जिससे सूबे का माहौल गर्मा गया है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच सियासी अदावत कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच शहमात का खेल जारी है। वहीं अब राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 3 सदस्यों का कार्यकाल इस साल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में राज्यसभा में इन सीटों के लिए कई नेताओं के बीच मुकाबला होगा। वहीं राज्यसभा की एक सीट के लिए अचानक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नाम की अटकलें तेज होने के बाद एक सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। इन सीटों के लिए दिग्गज नेताओं के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत अन्य कई और नेता इस कतार में लगे हुए हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह में बाधा बन सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने के सुझाव के पीछे कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीछे रखने का सियासी खेल तो नहीं खेला जा रहा है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि प्रियंका को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने का दाव कमलनाथ गुट की ओर से चला गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की खाली होने वाली 3 सीटों में से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के पास जाना तय है। कांग्रेस की 2 सीटों पर पहले ही दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह दावेदार हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम राज्यसभा के लिए चर्चा में आया है, ऐसी स्थिति में तीनों दिग्गज नेताओं में से किसी एक को फिलहाल सदन में जाने का मौका छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में अब प्रियंका का नाम सूबे में सियासत को किस मोड़ पर ले जाता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।